कदम चूम लेती है आकर के मंजिल, अगर मुसाफिर अपनी हिम्मत ना हारे। मैं इंदु चंद वाराणसी मंडल के चंदौली ज़िले के चानिया ब्लॉक से हूँ और मैंने इस बार नेट क्वालिफाई किया हुआ है और ये सारा श्रेय जाता है कंपटीशन एकेडमी और सासर को। सासर के बारे में हमको पता चला, पूजा दीदी से मेरी बात हो रही थी तो पूजा दीदी ने बताया कि आप सासर से बात कर लीजिए। तो सासर से मैंने बात किया और मैंने कहा कि गुरुदेव दया कर दो मुझे पर, मुझे अपनी शरण में रहने दो, मुझे ज्ञान के सागर से स्वामी अब निर्मल गागर भरने दो, चाहे डुबा दो चाहे तैरा दो, मर भी गए तो देंगे दुआएं, सर पे छाया घोर अंधेरा सूझत नाही राह कोई, इस दर पे आया हूँ मैं, इस दर पे गुजारा करने दो। मुझे बहुत ज़्यादा मदद कंपटीशन एकेडमी से मिली। मेरा हर बार रुक जा रहा था नेट और ये सारा श्रेय जाता है कंपटीशन एकेडमी को, क्योंकि सर की सबसे बड़ी विशेषता है कि सर जिस कवि या जिस लेखक को उठाते हैं तो वह कवि या वह लेखक जिस विधा में लेखनी अपनी चलाया और जिस विधा में वो हिंदी साहित्य को अपनी रचना प्रदान किया है वो सारा सर एक ही जगह बता देते हैं। अब उसमें ये नहीं है कि उपन्यास इन्होंने लिखा तो इनका उपन्यास हम उपन्यास की विधा में पढ़ेंगे, नाटक लिखा तो नाटक की विधा में, ऐसा नहीं। सारा कुछ एक जगह बता देना और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ जितने भी उनके समकालीन कवि हैं या लेखक हैं उनके बारे में बताते हुए और उनकी रचनाओं को बताते हुए और इसके बाद उस रचनाओं के बारे में थोड़ा थोड़ा उनका सारांश की तरह बताते हुए आगे बढ़ते हैं। ये सबसे विशेषता, सबसे बड़ी विशेषता रही है और इसलिए मैं बहुत खुश हूँ नेट को लेकर के, क्योंकि यह नेट न होना मेरी छवि पे धब्बा लग रहा था, मेरी छवि पे एक तरह से धब्बा लगा रहा था और इसके लिए मैं बहुत परेशान थी। सर ने मुझे कहा कि आप यदि मुझसे जुड़ती हैं तो मैं सुरेखा कंपटीशन एकेडमी पर आपका स्वागत करती हूँ। मुझे यह बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि मैंने 2020 में UGC नेट GRF हिंदी से क्रैक किया है। मैं MP दतिया डिस्ट्रिक्ट मुरेरा से बिलोंग करती हूँ, जिस जहाँ पे ना तो कोई पढ़ाने वाला है, ना कोई संस्थान है। इसी के चलते मैंने कहा कि अब क्या करूँ, परेशान हो गई हूँ। तो मैंने YouTube पर फिर सर्च किया, सर का चैनल मुझे बेहतर लगा, इसलिए मैंने HR सर का चैनल कंपटीशन एकेडमी को ही बेस्ट समझा और मैंने उसकी क्लासेस पढ़ी, कुछ उसमें से डेमो देखे। उससे मुझे समझ में आया कि जिस तरह से क्वेश्चन UGC नेट में बनते हैं उसी तरह के क्वेश्चन सर की क्लासेस में मिलते हैं। इसी कारण मैं उसको खोजा कि इसी से मेरा नेट एवं GRF क्रैक हो सकता है। इसके बाद मैंने एक साल तक मेहनत करती रही और एग्ज़ाम के लास्ट टाइम पर मैं बहुत बुरी तरह से स्वास्थ्य मेरा गड़बड़ हो गया और मैं उसके बाद रिवीजन नहीं कर पाई। फिर भी मुझे आत्मविश्वास था कि इंसान को जीवन में आगे बढ़ने के लिए दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास ही सबसे ज़रूरी होता है। तब मैंने सर के टेस्ट सीरीज वगैरह जो भी मुझसे बन पड़ा मैंने फिर भी किया है, हार नहीं मानी और मैं एग्ज़ाम देने गई। एग्ज़ाम देने के बाद जब मैंने सोचा कि मेरा तो रिवीजन तो हुआ नहीं था और जो सर ने पहले ही पढ़ाया था डीप में, मैंने उसी को डीप से पढ़ा था और सर ने जो भी क्वेश्चन बताए थे उसी से लगभग क्वेश्चन सारे मिलते जुलते क्वेश्चन थे। कंपटीशन एकेडमी पर सर ने अच्छा मटेरियल, स्टडी मटेरियल दिया है और PDF नोट्स वगैरह, सुबह 9 बजे PDF नोट्स, 2 बजे लाइव क्लास, 2 बजे वीडियो लेक्चर और रात को 9 बजे लाइव क्लासेस,
सर का मटेरियल इतना बेहतर है कि किसी की किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए इससे बेहतर कोई चैनल पर मटेरियल नहीं मिलता है। और किसी एक परीक्षा के लिए नहीं, कोई भी परीक्षा, ऑल इंडिया की किसी भी परीक्षा के लिए आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हिंदी साहित्य के लिए बेस्ट चैनल है कंपटीशन एकेडमी। मैं एचआर सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और अपने परिवारजनों का, जिन्होंने मुझे पढ़ने के लिए इतना मोटिवेट किया और उन्होंने मेरी सहायता की और मैं एक बच्चे की माँ होते हुए भी इतना सब कुछ कर पाई हूँ। इसमें बड़ी खुशी हो रही है कि मैं थर्ड अटेम्प्ट में नेट एवं GRF दोनों क्वालिफाई की हुई हूँ और अब इसके आगे मैं अपनी